हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाना सिखा रही हूँ। बहुत यम्मी लगेंगे, बहुत टेस्टी हैं और वेजिटेबल्स डलती हैं तो बट नेचुरल है कि बच्चों को खिलाने में भी अच्छा रहता है कि वो वेजिटेबल्स वैसे नहीं खाते हैं और फ्राइड राइस के नाम से वो खा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले मैंने सोया सॉस ली है जो 1 टेबल स्पून है, ऑयल है 2 टेबल स्पून है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 पिंच में इसमें अजीनामोटो यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो ना भी यूज करें, ऑप्शनल है। कैरेट को मैंने बारीक काट लिया है, बॉयल मैंने मटर लिया है, शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है, पत्ता गोभी को भी मैंने बारीक काट लिया है और एक प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। और मैंने ये लहसुन और अदरक को ग्रेट कर लिया है। ये मैंने राइस लिया है, बॉइल्ड राइस है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला है। ये हमने मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। विनेगर है 1/2 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फ्रेश हम क्रश करके ब्लैक पेपर डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैन गर्म हो गया है, हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन जो ग्रेट किया हुआ है वो डालेंगे, 1/2 टीस्पून है। इसके साथ ही साथ हम इसमें प्याज डाल देंगे, ग्रीन चिली डालेंगे, हल्का सा प्याज को सौते करेंगे, हाई फ्लेम पर कुक करना है। चाइनीज जब भी डिश बनाएं, वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पर कुक करें, क्योंकि हमें क्रंची रखना है तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा देर भी नहीं इसको करना है। अब हम 1 बाय 1 ये सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसको जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे। और मैं यहां बताना चाहूंगी कि इसका कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप वेजिटेबल्स और बॉइल्ड राइस लीजिए और इसको फटाफट बनाइए। सॉल्ट टू टेस्ट है, क्योंकि हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं तो इसके साथ साथ हम जल्दी जल्दी इसको चलाएंगे और इसमें साथ ही अजीनामोटो डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, हम इसमें पहले बॉइल्ड राइस डालेंगे। अब हम इसमें पहले राइस डालेंगे, सोया सॉस हम बाद में डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, वो हमें नहीं चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए चावल कितना खिला खिला बना है, बहुत यम्मी लगता है। और मैंने ये 1/2 कप बॉइल्ड राइस लिया है। सोया सॉस डाल देंगे 1 टीस्पून, साथ ही विनेगर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर क्रश करके डालेंगे। ये देखिए कितनी जल्दी से फ्राइड राइस बनकर तैयार हैं।